ये भी चैलेंज रहा है कि यू बीन परसीव्ड एज बीइंग टू गुड लुकिंग, ये है बात ये नहीं है? आई डोंट नो अबाउट दैट बट इज इट ट्रू दो कि जो खूबसूरत, मैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की या आपकी बात नहीं कर रहा, बट क्या ये वाकई में सच है कि जो लोग, जो एक्टर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, मेल एंड फीमेल, उन पे एक अलग तरह का प्रेशर होता है कि यार कि हाँ क्योंकि ये शक्ल के इतने खूबसूरत हैं, पता नहीं एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आई थिंक रिलेटेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम होता है, जो कि एक उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम रिलेटेबिलिटी का है। आई थिंक अगर आप रिलेटेबल नहीं होते ऑडियंस के लिए, अगर वो आपको देख के ये नहीं सोच सकती कि मैं भी ये हो सकता हूँ, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। एंड ये एक बड़ी स्लिपरी स्लाइड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जितना मैं जवाब दूंगा मैं उतना फिसलूंगा, मैं उतना फिसलूंगा, मैं उतना फिसलूंगा। सो मुझे उसको बड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। पहली तो बात ये कि मुझे कतई ऐसे नहीं लगता कि मैं गुड लुकिंग इंसान हूँ। प्लीज़ लेट्स फर्स्ट यार ये ऑडियंस आप लोग बताएंगे अपने कमेंट से इस वीडियो के नीचे, इस इंटरव्यू के नीचे। बट चले पहले तो प्रेमिस हम ये सेट करते हैं कि मेरी मान लिया कि एक सेकंड के लिए फर्ज कर ले, मान लिया कि आप गुड लुकिंग है बहुत, आप कह रहे हैं ना, अगर ऐसा कभी आप मुझे कैरेक्टर देंगे तो मैं वो मान लूंगा क्या? अगर मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जिसमें मुझे अपने आप को ये बताना हो कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, तो ठीक है आई थिंक फिर आप मानेंगे। हाँ, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। सो बट ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊँ, जो एक्टर्स होते हैं ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी अपने आप को देखते हो, एंड आई थिंक आई फेस दिस, आई एम गेसिंग शायद बहुत अदर एक्टर्स फेस दिस एज वेल, जब भी आप अपने आप को देखते हैं तो आपको फ्लॉज नज़र आ रहे होते हैं, वेदर इट्स योर परफॉर्मेंस, वेदर इट्स द वे यू लुक। सो आप कभी उस तरीके, एटलीस्ट विद मी मुझे लगता है कि कभी मैं उस तरीके से, जैसे आप कहते हैं ना कि बड़ा कंसीटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाते, क्योंकि आपको तो अपने अंदर सिर्फ फ्लॉज नज़र आ रहे होते हैं। So, मैं सद के जाऊं इनकी ह्यूमिलिटी पे। चले अगला सवाल पूछो। अच्छा सच तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला तो प्रेमिस हमने ये सेट कर दिया। इसका जवाब बेसिक ये है कि मुझे लगता है जो आप पूछना चाह रहे हैं, हाँ वो सच है। बिकॉज होता क्या है कि यू फर्स्ट हैव टू, कोई भी फिल्म, कोई भी चीज़ हो, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक चीज़ होती है कि जब आपने डिसबिलीफ, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब है कि जिस मिनट कोई बंदा चीज़ देखे और उसको ये भूल जाए कि वो फिल्म देख रहा है या टीवी देख रहा है, ड्रामा देख रहा है। सो वो रिलेटेबिलिटी से आता है। एंड अगर आप इफ़ योर यू लुक अ सर्टन वे जो रिलेटेबल शायद ना हो, तो वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मुश्किल हो जाता है। एक और सवाल का आप मुझे जवाब दें। आजकल हम आपको देख रहे हैं कुछ अनकहीं में, आपका किरदार आ जा रहा है, आप एक किस्त में आते हैं, फिर आप 2-3 किस्तें गायब हो जाते हैं। लग ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहे और आपके किरदार में एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। मोस्ट रिसेंटली, उससे पहले हमने आपको देखा एक थी लैला के आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन के आखिरी शॉट में, उसमें भी आप एक इंट्रीग वैल्यू छोड़ के चले गए। उससे पहले जब हमने आपको देखा था, आप सिनफियान में हमें दिखे थे, इतनी सारी हसीनो जमील लड़कियों में एक शहजादा नुमा इंसान, उसने भी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था आपके किरदार का। फुल फ्लेजेड आपने जो टीवी पे आखिरी रोल किया था वो पहली सी मोहब्बत में किया था। फिल्म भी आप किए, आपको काफ़ी कोई टाइम हो गया है, होस्टिंग आप फुल टाइम कर रहे हैं, कहानियाँ आप लिख रहे हैं, कहानियाँ आप बना रहे हैं। तो ये आगे चलते हुए ये डायरेक्शन, ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकेगी? शहरयार जरा एक्सप्लेन करेंगे, इतनी कंफ्यूजन चल रही है आपको लेके, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आजकल वो सब करने को मिल रहा है जो मेरा दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ परफॉर्म कर सकूं, तो हर हफ्ते मैं शो करता हूं, जिसकी जो एक परफॉर्मेंस है एज एन एक्टर, 2 घंटे एंटरटेन रखना एक परफॉर्मर वाली परफॉर्मेंस है, वो भी करता हूं। उसके बाद बिकॉज आई एम डूइंग दैट अलाउज मी द टाइम कि मैं कहानियां लिख भी लेता हूं और डायरेक्ट भी कर रहा होता हूं, तो वो भी कर लेता हूं। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह है, छोटी सी एक इंडस्ट्री है, तो वो उसमें भाईचारगी की बहुत ज़रूरत है। सो ये फ्रेंडली फेवर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा। एंड आई थिंक दैट मैंने कभी कुछ अनकहीज है फ्रेंडली फेवर। एब्सोल्युटली मैंने सिनफियान वाज अ फ्रेंडली फेवर। सो बट एक थी लैला वाज आल्सो फ्रेंडली। नो बट आई विल टेल यू विद सिनफियान, इवन दो व्हेन इट वाज पिच्ड टू मी, इट वाज पिच्ड लाइक यू नो वुड यू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बट जब मैंने उसमें एक सीन पढ़ा था वो पाक सर जमीन वाला, तो आई वाज सोल्ड ऑन दैट। मैंने कहा था सिर्फ इस सीन के लिए मैं करूंगा ये। वाह, ठीक है। एंड बट द अदर्स या हैव बीन friendly favors, you know, I'm fond of the either the director or the producer in either case, और वो अगर आपको बोलते हैं तो मुझे लगता है ऐसे ही होता है, क्योंकि आज अगर मैंने उनके लिए किया है कल वो मेरे लिए करेंगे। बिल्कुल सही बात। एंड ऐसे ही चलना चाहिए। आई थिंक हमारा पूल बहुत छोटा है कि अगर हम अपने दिल छोटे कर लें, जैसे मैं आपके सेट पे गया आप मेरे सेट पे आ गए, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही हो गया। तो अगर आपका पूल छोटा हो तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए। शहरयार का दिल बहुत बड़ा है, इस बात का जवाब दे दें, बल्कि अनाउंसमेंट करते हैं अगर आप। अच्छा पर मैं आपकी वो बात तो ख़त्म कर दूं। हाँ। इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे। मसला सिर्फ ये हुआ कि मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिली। अच्छा। जो मैं जिसको पढ़ के मैं बोलूं कि ये मैं यू नो आई वांट टू डू लाइक अ फुल लीड, मतलब मेन। हाँ, मैं इसको उठाना चाहता हूँ, बट इंशाल्लाह आई वांट टू डू। तो कुछ स्क्रिप्ट अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, टेलीविजन की भी पढ़ रहा हूँ। एक देयर इज एक्चुअली वन गुड वन दैट आई रियली एंजॉयिंग राइट नाउ, तो शायद उसको लेके एंड फिल्म को लेके भी ऐसा ही है। फिल्म्स तो बीच में रुक भी गई थी पोस्ट कोविड, सो उसके बाद फिर फिल्म्स तो इसीलिए ऑटोमेटिकली रुक गई। तो एक अनाउंसमेंट तो कर दें आज। क्या अनाउंसमेंट कर? एक थी लैला का सीक्वल बन रहा है, सीजन 2 बन रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, कर दें आज अनाउंसमेंट। मैं शहरयार कहता हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वाकई में कुछ नहीं पता। मुस्कुराहट आपकी कुछ और कह रही है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं बताता नहीं। अब वक्त हुआ हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है आवाम की आवाज़। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे ज्वाइन करें। उन कुर्सियों पे वो जो आप हाथ देख रहे हैं वो आवाम के हाथ हैं, वो आवाम के हाथ हैं। हाँ, वो इतने बड़े हाथ गोल्डन है भाई, ये अगर पड़ जाए तो नहीं, ये सोने के हाथ हैं। सोने के